दश ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जया मुदिरे नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय गोपाल। आइए प्रिय श्रोता जनों, सत्संगी जनों, मेरे बहन भाइयों, श्रीमद् भागवत गीता प्रवचन माला में आज अध्याय दूसरा है। पिछले सत्संग में भी दूसरे अध्याय के ही कृष्ण अर्जुन संवाद के श्लोक थे। अर्जुन कह रहा था भगवान श्री कृष्ण से पिछले सत्संग में, श्लोक 7 में, 7th, क्षमा करना, श्लोक 5वां पिछले सत्संग में अर्जुन के प्रश्न थे कि गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भिक्षम अपि लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुन यहैव भुंजिये भोगान रुधिर प्रदीप्तान। हे कृष्ण, मेरे गुरुजनों को मार करके आखिर तो मैं रक्त से सने हुए भोगों को ही भोगूंगा। इससे तो अच्छा है कि मैं गुरुजनों को न मार करके, और ये संसार बहुत बड़ा है, कहीं भी जाकर झोली फैलाकर कुछ रोटी के टुकड़े मांग लूंगा और अपना बसर कर लूंगा। लेकिन ये गुरुजनों को नहीं मारूंगा, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। आज 6वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। न चैदत विद्मह कत्रन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामस ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हे कृष्ण, जिनको मार करके मैं जिंदा भी नहीं रहना चाहता, वही धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे सामने पहली ही पंक्ति में मुझसे युद्ध करने के लिए वीरों की भांति खड़े हैं। और हमको ये भी तो पता नहीं कि इस युद्ध में उनका जीतना ठीक है या हम उनको जीतें ये ठीक है। सही क्या है ये भी तो हमें मालूम नहीं। वो लोग हमको जीते, जीत का झंडा वो पहनाए, ये सही है, या फिर जीत का झंडा हम पहनाएंगे ये सही है? हमको तो इस विषय में भी कुछ मालूम नहीं है।
ये भी तो हमको सोच लेना चाहिए। कल को हमारी हार हो गई और वो जीत गए तो हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे कि बड़े बिगुल बजाए थे, बड़े शंख बजाए थे। पांच जन्यम ऋषि केशो देव दत्तम धनंजयो पौंडम ददमो महाशंकम भीम कर्मा बिरको धराओ अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिराओ नकुलहाओ सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पकाओ। बड़े बड़े वीरता के शंख, शहनाई, नगाड़े, भेरी, भिगुल बजाए थे। यदि वो जीत गए तो फिर कृष्ण, जो तुम्हारी ख्याति फैली हुई है, द्वारिकानाथ, द्वारिकाधीश, जो ये पांडवों की वीरता का कुशल सब जगह फैला हुआ है, कुशल कला, निपुणता, धनुर्धर, गांडीवधारी धन अर्जुन, जिसके नाम से दुश्मन कांपते हैं, भीम की गदा से सारी गदाएं झुकती हैं, भीम की गदा के आगे युधिष्ठिर महाराज के भाला के सामने सारे भाला चलाने में कुशल वीर लज्जित होते हैं। नकुल, सहदेव की चमचमाती हुई तलवारें जो शत्रु के खून की प्यासी रहती है सदैव। हम तो कृष्ण मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे यदि हमारी पराजय हो गई तो। ये भी तो हम नहीं जानते कि हमारी जीत होगी या नहीं। जीत का झंडा हमारा लहराएगा या उनका, और उनका झंडा लहराना उचित है या हमारा, हम तो कुछ भी तो जानते नहीं कृष्ण। क्या पता है गुरुजनों का झंडा लहराए उसमें ही हमारा, हमारी प्रसन्नता छुपी हो, या हमारा झंडा लहराए इसमें हमारी प्रसन्नता है, या कहीं हमारे को पश्चाताप है, कहीं हमारी जीत का झंडे में हमारा पश्चाताप तो नहीं समा जाएगा, छुप जाएगा, जिंदगी भर हमको पछताना तो नहीं पड़ेगा। ये भी तो हम नहीं जानते कृष्ण। अर्जुन के प्रश्न देखो, अर्जुन का वाद विवाद देखो। न चैतद विद्मह कत्रन नोगरियो यद वाजयेम, या यदि वा नो जयेम हो यद वाजयेम यदि वा नो जयेयु याने वत्वा न जिजीव सामस ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। और एक कृष्ण दूसरी और बात है, जिनको मार करके हम जीना भी नहीं चाहते, मैं तो जीना नहीं चाहता, यदि मेरे हाथों से ये गुरुजन मर गए तो इनके, इनको मार करके मैं जीकर क्या करूंगा, फिर मुझे भी मर जाना चाहिए, मुझे भी भाई युधिष्ठिर का भाला लेकर अपने पेट में भौंक लेना चाहिए, मैं जीकर क्या करूंगा फिर, जब मेरे गुरुजन ही मर गए, मेरे रिश्तेदार नातेदार मर गए, मेरे मामा नाना भाई बंधु साला संबंधी जीजा मेरे भ्राता कौरव मर गए, तो मैं जीकर क्या करूंगा फिर, जब अपने ही मर गए तो भोगों के लिए, सुखों के लिए, रक्त से सने सिंहासन का भोग करने के लिए। नहीं कृष्ण, मैं तो नहीं जीऊंगा, मैं जिंदा नहीं रहना चाहूंगा, आप बेशक रहना। याने वत्वा न जिजीव सामस, और वो ही लोग जिनको मारकर मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, वो मेरे सामने वीरों की तरह सीना
फुलाए खड़े हैं, धनुष तलवारें उठाए खड़े हैं, महारथी बने खड़े हैं, रथों पर सवार हैं, हाथियों पर सवार हैं, घोड़ों पर सवार हैं। हे कृष्ण, मैं तो इनको मार करके जिंदा नहीं रहना चाहता। ये भी मेरी समस्या है। हर एक के सामने है ये समस्या होती है जीवन में। समस्या का समाधान सत्पुरुष करता है, सत्संग करता है, स्वयं भगवान करते हैं, शास्त्र करते हैं। अर्जुन की इन समस्त शंकाओं का समाधान, प्रश्नों का उत्तर भगवान स्वयं देंगे, निवारण करेंगे। अगले सत्संग में आगे बढ़ेंगे। आज वाणी को विराम यहीं पर देना है। जय गोपाल।